Hey everyone, welcome back to Career in Action. लगन आपकी advice हमारी. This is Sarpa Saroj and आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि देखो माइनिंग ऑफिसर फाइनली जो है ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आ गई है माइनिंग ऑफिसर की. ठीक है, ये पोस्ट जो है ये MPPSC के द्वारा कराई जाएगी. ओके, तो ये ऑफिशियल रिक्रूटमेंट है. कैसे मिलेगी आपको? तो आपको जाना है कहाँ पे? गूगल पे जाना है, राइट? तो आप गूगल पे जाओगे, आपको यहाँ पे लिखना है MPPSC. ठीक है, नॉर्मल बस MPPSC लिखो. जैसे MPPSC लिखोगे तो पहला जो लिंक है वो आ जाएगा. उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आप देख रहे हो एडवर्टाइजमेंट लिखा है, राइट? तो इस पे जाओगे आप एडवर्टाइजमेंट पे, तो यहाँ पे आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो आपको जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे आपको जो दिख रहा है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर माइनिंग ऑफिसर, यहाँ पे आपको जब क्लिक हेयर करोगे तो आपको जो है ये PDF जो नोटिफिकेशन का PDF है ये खुल के आ जाएगा. ठीक है, वो जब नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा तो उसको हम आगे चर्चा करेंगे. फिलहाल हम कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखो माइनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट, राइट? MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा. MPPSC बहुत बड़ी कमीशन है, जैसे कि आप सभी जानते हो स्टेट कमीशन है, स्टेट PSC. जब हम UPSC की बात करते हैं इसका मतलब कि IAS सुना होगा आपने, है ना, IPS. तो ये सब जो एग्जाम है ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि ऑल स्टेट, ऑल इंडिया स्टेट है ये. लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेट वाइज, यानी कि MP अलग कराएगा, फिर UP अलग कराएगा, बिहार अलग कराएगा, है ना, तो बिहार माई इंस्पेक्टर, UP माई PSC माई इंस्पेक्टर, फिर MPPSC माई इंस्पेक्टर. तो ये माई इंस्पेक्टर का नहीं, ये माइनिंग ऑफिसर्स का है. ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा. ओके, अब यहाँ पे देखो नीचे आपको दो लिंक फॉलो करनी है, एक तो MPPSC.NEET.IN. ठीक है, हम नॉर्मली आप MPPSC भी लिख दोगे तभी जो पहला लिंक आएगा उस पर भी जा सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली ये जो है आपका रिटर्न टेस्ट होगा MPPSC वाला, रिटर्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे. ओके, अब यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन डेट भी देख लेते हैं. तो सबसे पहले ये देखो कि पोस्ट का नाम क्या है, तो माइनिंग ऑफिसर है. और ये टोटल पोस्ट कितने हैं, तो 5 ही पोस्ट हैं. तो ये थोड़ी दुखद वाली बात है कि भैया 5 ही पोस्ट दिए हैं, बड़ा ही अजीब सीन है. जब इस तरीके का होता है ना सीन तो इंसान एग्जाम देने का भी मन नहीं करता है. 5 सीट है सिर्फ, टेम्परेरी फॉर 2 ईयर्स. तो ये भी जान लो कि अस्थाई है ये, ठीक है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है. मतलब ये एक तरीके से देखो कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, हाँ, ये हो सकता है जैसे UPPSC में मैंने बताया आपको कि UPPSC में 55 पोस्ट था, तो वो भी जो टेम्परेरी था, यानी कि 4 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था वो. अब 4 साल बाद जो है मे बी हो सकता है कि आपको अच्छे पोस्ट पे वो सेंड कर सके. बट उसी तरीके से सेम यहाँ भी है कि 2 साल के बाद हो सकता है आपका कहीं और आपको पोस्टिंग कर दे आपकी, तो अच्छी रहेगी ये चीज़. फिलहाल हम ये देखते हैं कि अप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है. तो 10/5 यानी 10 मई 2023 12:12 बजे से चालू हो जाएगा. उसके बाद 9 जून तक चलेगा. ठीक है, 9 जून तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो. अभी डेट नहीं आई, अभी सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल होगा आपका 10 मई से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो अभी बहुत समय है, लेकिन फिलहाल ये जान लो कि हाँ भाई एग्जाम देना है अगर जिनको, तो वो इसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, ऑफिशियल वेबसाइट 2 है, देख सकते हो MPOnline.यहाँ पे आई होगा MPOnline.government.in और MPPSC.MP.government.in ये है. ठीक है, थोड़ा सा हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं फटाफट. यहाँ पे देख पा रहे हो एग्जाम लिखा रिटर्न टेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा. 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 पेपर 2. पेपर 1 में आपका सेक्शन A सेक्शन B होगा. सेक्शन A में GS का सेक्शन है और सेक्शन B में जनरल एप्टीट्यूड. ठीक है, एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग मैथ दोनों ही आ जाएगा, और GS में तो फिर आपको कुछ कहने की जरूरत है नहीं, सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये तो नॉर्मली होते ही है 10th तक का, यानी कि साइंस का पोर्शन है. उसके बाद आपका हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, है ना, ये सारे इन्वायरमेंट, ये सब कुछ आपका इसमें GS सेक्शन में आ जाएगा. तो इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 क्वेश्चन. जियोलॉजी जो आपका मेन यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो 150 क्वेश्चन होंगे. और ये याद रखिएगा कि जितने भी ये आप देख पा रहे हो सब्जेक्ट, ये अगर 50 क्वेश्चन है तो इसको क्या करोगे आप, x2 करोगे, यानी हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, x2 करोगे. ठीक है, और 150 को x2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 300. और ये आपका जो आपका पेपर 1 है वो 100 नंबर का होगा, यानी कि टोटल मिला के आपका 500 का नंबर का पेपर हो जाएगा. ठीक है, 2 घंटा टाइम मिलेगा, तो समय जो है आपका कम है, 250 क्वेश्चन है. सोच पा रहे हो, यानी कि 50-50 सेक्शन, पेपर 1 में आपको 100 क्वेश्चन और पेपर 2 में आपको 150 क्वेश्चन. तो समय तो भैया कम है, 2 ही घंटा मिल रहा है, 2.5 घंटा एटलीस्ट देना चाहिए था, लेकिन 2 ही घंटा मिल रहा है. ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि आपको जल्दी जल्दी हाल चलाना पड़ेगा. तो इस हिसाब से जो है टोटल मार्क्स आपका 500 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो पैटर्न है माइनिंग ऑफिसर्स का, उसको देखो. रिटन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शन, सबको पता है सेक्शन डिफरेंट है, ऑब्वियसली बात है. तो सेक्शन A है और सेक्शन B है. ठीक है, पेपर 1 में सेक्शन A सेक्शन B, पेपर 2 में क्या है
आपका जियोलॉजी, ठीक है। सेक्शन ए में क्या आपका जी एल सेक्शन है, सेक्शन बी में क्या आपका एप्टीट्यूड है, ठीक है। 50-50 नंबर, 50 क्वेश्चन इसमें, 50 क्वेश्चन इसमें, और इसमें 150 क्वेश्चन, टोटल मिला के 500 नंबर का पेपर हो जाएगा, ठीक है। ये सबको पता है मल्टीपल चॉइस होगा, ईच सेक्शन है डिफरेंट मार्क्स, बिल्कुल ईच सेक्शन कंटेंट डिफरेंट वर्टेज, तो हर सेक्शन का वर्टेज भी डिफरेंट होगा। अच्छा, अभी एलिजिबिलिटी क्या मांग रहा है, तो कैंडिडेट जो जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है जियोलॉजी में या फिर एमटेक करा जिन्होंने अप्लाइड जियोलॉजी से, सो दे आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जियोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट करी है, और एमटेक हो या फिर वो अप्लाइड जियोलॉजी से, वो लोग सिर्फ उसको भर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि माइनिंग वाले नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। देखो ये डिपेंड करता है, मैं बताना चाहूंगी कि देखो जितने भी स्टेट्स हैं, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट कि वो माइनिंग को ज्यादा मतलब महत्व दे रहे हैं या फिर जियोलॉजी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी जियोलॉजी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं अगर कोई भी माइनिंग ऑफिसर या फिर माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम हो रहा है उस हिसाब से। तो अभी जैसे कि यूपीपीएससी वाला हुआ, ठीक है, यूपीपीएससी वाला जो एग्जाम हुआ उसमें जो बैलेंस लेके चला गया है जियोलॉजी प्लस माइनिंग का पोर्शन जो रहा, उसके बाद फिर आप बिहार की बात करें, बिहार एसएससी जो करवाई थी माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम, उसमें जियोलॉजी को ज़्यादा वेटेज दिया गया, जियोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा था उसमें। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। उस तरीके से एमपीपीएससी करा रही है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जियोलॉजी को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं लोग, है ना। तो इस तरीके से बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे अप्लाई करोगे। तो ये जो वेबसाइट है इस पर जाना है फटाफट, वो तो जब आएगा तो ऑटोमेटिक जो है आप जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्म फिलअप, ठीक है। तो बढ़िया से जो है फॉर्म फिल कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस जो है ये सब हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, अब हम जो है ओपन करते हैं उसको। तो आप ये देख पा रहे हो ये है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिया हुआ है 9 जून, है ना, 9 जून दिया हुआ है यहाँ पे, देख पा रहे हो 12 बजे तक। 13 तारीख को ये आया था विज्ञापन, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देख पा रहे हो भू विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि और उपयुक्त भू विज्ञान में एमटेक उपाधि, तो ये सब वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये सब हमने आपको बता दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एग्जामिनेशन फी, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का डेट बताया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे तिथि बताई गई है कब तक भर सकते हैं, है ना। तो ये सब पढ़ लेना आप लोग, बाकी यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं बहुत, ऐसा लिखा। देखो पद का नाम यहाँ पे खनिज अधिकारी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 5 सीट है, तो अनरिजर्व के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने लोगों के लिए जो है 5 सीट रखी गई है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहाँ पे पद का नाम तो हम सबने जानते हैं माइनिंग ऑफिसर, उसके बाद विभाग का नाम तो खनिज साधन विभाग है, बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो पद स्थिति अस्थायी, यानी कि टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। यहाँ पे देख पा रहा हूँ वेतन मान लिखा हुआ 56,100 यहाँ पे बढ़ गया है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ जो मैंने वहाँ पे बताया है वो इसके पहले के आंकड़े के हिसाब से था, अभी यहाँ पे बढ़ गया है। देखो 56,100 से लेके 177,500 तक है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम नीचे, ठीक है। तो ये सारी चीज पढ़ लेना आप लोग। आयु सीमा जो है यहाँ पे 21 साल से लेके 40 साल के नीचे तक ही लोग जो है यहाँ पे इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, याद रखिएगा इसको। आयु सीमा में कोई छूट नहीं दिया जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, ओके। सभी अभ्यर्थी नहीं तो अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे ज्यादा आयु सीमा की छूट नहीं दी जाएगी, याद रखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कितने नंबर का पेपर होगा चयन प्रक्रिया। यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स मान लो सेम नंबर्स ले आते हैं, सेम स्कोर कर लेते हैं, तो उन लोगों को साथ में बुलाया जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बस यही सब चीज़ें लिखा हुआ है कि एड्रेस जो है आपका ईमेल एड्रेस और एसएमएस द्वारा आवश्यक होने पर सूचना की दी जाएगी, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो 2 वेबसाइट है जिसको आपको फॉलो करना है, ध्यान में रखिएगा इसको, है ना। अब यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश से जो आते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए 250 रुपये लगेगा, और जो बाहर मतलब कि एमपी से नहीं आते हैं, अन्य स्टेट से हैं, तो उनको 500 रुपये लगेगा फीस, याद रखिएगा इसको, ठीक है। बाकी तो वही सब नॉर्मल चीज़ें लिखी गई हैं, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आयु संबंधी प्रमाण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो भेजी जाएगी, है ना, जाति प्रमाण और शासकीय सेवा होने के प्रमाण पत्र ये सब, ठीक है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन का जो प्रारूप घोषणा पत्र लिखा हुआ है, तो इसको आपको सेंड करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे देख पा रहा हूँ अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में ना आने का प्रमाण भी आवश्यक है, अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण पत्रों में क्रीमी लेयर में ना जाने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे, समझे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग में अभ्यर्थियों को निम्न अनुसार घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा,
तो ये इसमें जो है आपको फिर सबमिट करके इसको सेंड करना होगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अनुशासनिक निर्देश दिए हुए हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये सब फॉलो करने होंगे। बाकी आपको ट्रैवल अलाउंस चाहिए आपको तो वो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, उसको मिल जाएगा आपको। तो ये बेसिक इतनी चीज़ें लिखी हुई थी, बस हमें जो है उससे मतलब है कि जो है रिक्रूटमेंट आई है क्या है वो अब देखना जरूरी था, तो उतना हम लोगों ने देखा, बाकी इससे अवगत होना ज़्यादा जरूरी था आपके लिए। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी तो चैनल पे बने रहना जरूरी है आपका। ओके, तो मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। अगर अभी तक इसका सिलेबस नहीं आया है, सिलेबस जैसे ही आएगा इसको फिर हम लोग अपलोड करेंगे सिलेबस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक कृपया ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।